लोकसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से पश्चिम बंगाल काफी महत्वपूर्ण राज्य है, इसीलिए बीजेपी इस राज्य में अपनी नजर गड़ाए बैठी है। लेकिन ममता भी उसे सेंधमारी का एक मौका नहीं दे रही। पहले सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी की रथ यात्रा पर कानूनी ब्रेक लगाया, उसके बाद अब शाह की रैली में रोड़ा अटकाया जा रहा है, जिस पर बीजेपी बिफर उठी। हालांकि सियासी तकरार के बीच अब शाह को हरी झंडी मिल गई है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महागठबंधन की मजबूती के लिए हुई महारैली ने बीजेपी को इस कदर बेचैन कर दिया कि अमित शाह बीमारी के बावजूद ममता के गढ़ में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए पहुंचेंगे। पहले ये रैली मालदा में 20 जनवरी को होनी थी, लेकिन शाह को स्वाइन फ्लू होने की वजह से अब ये 22 जनवरी को होगी। मगर प्रशासन के एक फैसले के बाद इस पर भी सस्पेंस खड़ा हो गया था। दरअसल प्रशासन ने मालदा एयरपोर्ट पर शाह के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी थी। अधिकारियों का कहना था कि इस वक्त मालदा एयरपोर्ट के अपग्रेडिंग का काम जोरों पर है। वहां रनवे पर ढेर सारी मात्रा में बालू, मिट्टी और जेएसबी सामग्री पड़ी है, जिससे मंजूरी नहीं दी जा सकती। प्रशासन की इस आनाकानी से बीजेपी बुरी तरह से बिफर उठी। बीजेपी ने सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो इस बात से घबराई हुई है कि अगर शाह मालदा की इस रैली में आएंगे तो बीजेपी को अधिक समर्थन मिलेगा। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। इस सियासी तकरार के बीच अब प्रशासन ने लैंडिंग के लिए नई जगह दी है। मालदा जिला प्रशासन ने इजाजत देते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग मालदा के होटल गोल्डन पार्क के सामने वाले स्थान पर कर सकते हैं। ये वही जगह है जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर लैंड होता है। यानी अब ममता की जगह पर उतर कर ही अमित शाह पश्चिम बंगाल में बीजेपी को नई सियासी उड़ान देंगे। डीपी लाइव की रिपोर्ट।